गुड इवनिंग दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में आपको स्पेशली इसलिए रखा है कि आप पार्ट वन और पार्ट टू एमजी कॉन्सेप्ट का देख चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है आपके लिए। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, एमजी कॉन्सेप्ट में आपने जितनी भी चीजें सीखी वो आप काफी सारी जगह लगा सकते हैं। अभी फिलहाल के वीडियोस में आपको रेशियो का एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि पूरे रेशियो में आप इसे किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए, एमजी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप आगे के सभी चैप्टर्स में लगा सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये सिर्फ रेशियो रेशियो में ही लगाना है। आगे आने वाली वीडियोस में आप ये भी पाएंगे कि मैं कैसे कैसे अलग अलग टॉपिक में एमजी कॉन्सेप्ट को लगा सकता हूँ। इसके अलावा आप 2017 मेंस का पेपर उठाएंगे। फिलहाल आपने जितनी वीडियोस देखी हैं उनके बेसिस पे पेपर उठाइए और चेक करके देखिए आप कहाँ कहाँ लगा पाते हैं, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कितना टाइम बच सकता था। एमजी कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो देखिए, आगे भी आती रहेंगी अलग अलग चैप्टर की, मेंसुरेशन की हो, चाहे वो अर्थमेटिक की हो या एडवांस पार्ट की हो। तो एमजी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मैं आगे वाले वीडियोस में भी दिखाऊंगा। आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है, पेशेंस बना के वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम अगर होती है, देखिए उसके लिए आपका फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, फेसबुक ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेज पे आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, पार्ट थ्री आज डालने जा रहे हैं। पार्ट थ्री को आपको एंजॉय करना है और समझनी है चीजें, तो जितनी चीजें समझाई जा रही हैं उसे ध्यान से समझिए। आगे आने वाले टाइम में काफी जगह ऐसा होगा कि आप एमजी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बहुत बड़े स्केल पे देखेंगे। देखिए, अगर आपको लगता है खाली रेशियो में लगा पाऊंगा तो बहुत गलत लगता है आपको। आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर में आप एमजी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए, एमजी कॉन्सेप्ट एक आपकी खुद की सोच है। मैंने एक सोच बनाई है इस तरीके से जिससे मैंने पेपर क्लियर किया है, तो आपको ये सोच लगानी है साथ के साथ। और ये भी देखना है कि मेंस वगैरह के जो एग्जाम हुआ था, जैसे आप देखते हैं 2017 का मेंस का जो पेपर आया है, उसके अंदर भी मैं आपको वीडियो स्पेशली इसलिए बनाऊंगा कि 2017 मेंस का पेपर आप एमजी कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन कर सकते थे, और वो सारे क्वेश्चन वो होंगे जो कैलकुलेटिव पार्ट होगा, यानी वो सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप एमजी कॉन्सेप्ट से करके सीधा आंसर कर सकते थे। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, पार्ट थ्री वॉच करिए और उसे ध्यान से समझिए। किसी रेजिमेंट में अफसरों की और सिपाहियों की संख्या का अनुपात 3:31 था। लड़ाई से पूर्व इसी लड़ाई में 6 अफसर और 22 सिपाही मारे जाते हैं और अनुपात बदलकर 1:13 हो जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। देखिएगा 2016 का मेंस का पेपर उठाना और ये चीज़ देखना कि पेपर में क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। और अगर क्वेश्चन आया है, ऑप्शन ये थे नहीं थे, डाटा ये था नहीं था। देखिए, अभी जब जैसे जैसे आप बात सुनेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्वेश्चन इस तरीके से आए। पर देखिए, आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि देखिए जब मैं भी पढ़ाई करता था मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं यार ऐसा नहीं है। फिर जैसे जैसे मैंने लगाया मुझे इसका रिजल्ट मिला ही मिला। देखिए, एमजी कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लगाते हैं, अगर आदत पड़ गई तो देखते ही आंसर निकल जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन ही देख लेते हैं, मैं मानता हूँ एमजी कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, निकालिए आंसर। देखिए, अपने दिल से पूछना, अपने आप पता लग जाएगा कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ट्राई करके देखिएगा, अपने आप समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पेन लगाना पड़ेगा, कितना कितना काम करना पड़ेगा, और तब जाके आंसर आएगा।
और यही क्वेश्चन देखिए, कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि पहली लाइन पढ़ी, आखिरी लाइन पढ़ी, सीधा आंसर मार्क किया और आगे निकल गया। वो इसी वजह से निकल सकता है क्योंकि उसने एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर एमजी कॉन्सेप्ट उसके पास है तो देखिए सीधा सीधा आगे निकल जाएगा और सीधा सीधा आंसर मार्क करके निकल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, अफसर और सिपाही का अनुपात है 3:31। ये पहली लाइन हो गई। आखिरी लाइन देखते हैं, अफसरों की संख्या बतानी है लड़ाई से पूर्व। अफसरों की संख्या देखिए लड़ाई से पूर्व है 3, तो यानी 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल ये रहा आंसर, ये सीधा कट गए, सीधा आंसर हो जाएगा। यानी यही क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में हो सकता है और यही क्वेश्चन आपका लेने को 30 से 40 सेकंड में चला जाएगा अगर आप इसे बनाते हैं तो। तो एमजी कॉन्सेप्ट का देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको डेली रूटीन में अगर आता है तो देखिए सीधा सीधा आप क्वेश्चन देख के सीधा सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। देखिए नहीं तो आपको इसे इस तरीके से ही करना पड़ेगा। 31x हो गया, ये 6 अफसर मर गए, 22 सिपाही मर गए, अनुपात 1:13 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x निकालिए, फिर अंतर करके फिर निकालना पड़ेगा। आपके पास इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, देखिए ये करना ही पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन मुश्किल पड़ जाएगा अगर हम इस तरीके से करते हैं तो। फायदा अपना है, खुद जांचिए इस चीज को कि हाँ देखिए जैसे जैसे अगर कोई बच्चा आता है कोचिंग करने के लिए, आप कोचिंग क्यों कर रहे हैं? कोचिंग इसीलिए कर रहे हैं कि भाई सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन देखिए कैसे होगा, सिलेक्शन ऐसे होगा कि आप बदलेंगे डे बाय डे आपके अंदर चेंज आएगा, इंप्रूवमेंट होगी तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो उस चेंज के लिए काम कर रहे हैं आप, तो अगर देखिए चेंज के लिए काम कर रहे हैं तो चेंज के लिए ढंग से काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार मेहनत करी, एक साल कहीं कोचिंग ली, फिर अगले साल दोबारा से कोचिंग ली, फिर तीसरे साल फिर कोचिंग ले जा रहे हैं और कोचिंग पे कोचिंग लिए जा रहे हैं। देखिए कोचिंग के बदलने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा खुद को ही बदलना पड़ेगा, दिमाग पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का एक इंपॉर्टेंट रोल है दिमाग से समझना है। देखिए जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, सीधा सीधा हमने देखा और सीधा सीधा आंसर आ गया। आगे के क्वेश्चन भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 2017 प्री में आया है, 2017 प्री के अंदर। देखिए मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम के लिए हैं, ये दिखाने के लिए कि इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई लिमिटेड क्वेश्चन है किताब में दिए हुए उस पर ही लग रहा है, सब जगह लगाएंगे। देखिए और एमजी कॉन्सेप्ट तो अभी 5% भी नहीं पढ़ा हमने और इसका जो इलेबोरेशन है बहुत बड़ा है, आगे बहुत आगे तक जाता है ये चीज, और बहुत आगे तक जाएगा और आपको बहुत सारी जगह देखिए, अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ों में आपको ये पता लग जाए कि हाँ ये ऑप्शन इससे भाग हो रहा है ये आंसर हो गया, ये ऑप्शन इससे भाग हो रहा है ये आंसर हो गया, तो देखिए रास्ता काफ़ी आसान हो सकता है। आप खुद ही सोचिए कि अभी तक जैसे हमने क्वेश्चन देखे 9 क्वेश्चन हो गए, इन 9 क्वेश्चनों को ऑप्शन मिटा के करके देखना, ठीक है, फिर देखना कि टाइम कितना लगता है, फिर ये देखना कि मैं अगर ऑप्शन लगा देता हूँ फिर टाइम कितना लगता है, ठीक है। तो अगर एक बार चीज़ कर रखी है, एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो अंतर अपने आप पता लग जाएगा। देखिए वही चेंज है जिसके लिए आप आ रहे हैं, तो वो चेंज खुद में खुद महसूस करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा आपसे, जैसे मैं बोल दूँ कि 10 सेकंड में सोल्यूशन कराऊंगा या 5 सेकंड में सोल्यूशन कराऊंगा। देखिए इस चीज़ पर विश्वास क्यों करना, आप खुद सोचिए ना, अगर चेंज आपको महसूस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है यार, वही चीज़ आपके लिए फायदेमंद है। ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया या मैंने आपको बोल दिया, एडवर्टाइज कर दिया इस तरीके से कि नहीं 10 सेकंड में सोल्यूशन होगा, बिना पेन के होगा। अगर आपको खुद लगता है कि हाँ मैं खुद बिना पेन के कर पा रहा हूँ तो वाकई में वो टीचर आपके लिए बहुत बढ़िया है जो भी आपको इस तरीके से सिखा पा रहा है, ठीक है। देखिए कोई भी कमिटमेंट नहीं है कि बिना पेन के ही क्वेश्चन करना है, पर थोड़ा दिमाग से जरूर करना है। बिना पेन के पेपर के अंदर अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो देखिए कम से कम मैं बता रहा हूँ मिनिमम से मिनिमम आप 30-25 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं, पर वो जब कर पाएंगे जब आज से डेली रूटीन में करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आपकी भाई यहाँ तो पेन लगा लगा के कर रहे हैं, क्लास में भी पेन लगा के कर रहे हैं, टीचर ने सोल्यूशन भी पेन लगा के बताया। देखिए अगर सारी चीज़ें पेन लगा के रही तो पेपर में बिना पेन के कैसे हो जाएगी, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो चीज़ यहाँ होगी वही पेपर में होगी। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, एक कॉलेज यूनियन में 48 विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है,
इसमें कितने लड़के और शामिल हों? ये अनुपात बदल के ये हो जाए, देखिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन करना चाहे तो देखिए एक सेकंड में भी हो जाएगा, और इसी क्वेश्चन को करना चाहे तो टाइम भी लग सकता है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, बात समझनी है, देखिए बिल्कुल ध्यान से बात समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के ना काफी सारे तरीके हैं, एक तरीका मैं बताया तो सबसे पहला आपके दिमाग में जो आएगा, पहला तरीका ये है कि भाई 8 की वैल्यू निकाली 48, ठीक है, फिर हमने निकाल ली 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू निकाल ली 6, 5 की निकाल ली 30, 6 की 3 की निकाल ली 18, तो 30 तो लड़के हो गए और गर्ल्स जो हो गई वो 18 हो गई। अब अगर गर्ल्स ऐड कर रहे हैं तो बॉयज सेम कर दो फिर आंसर निकाल दो, एक तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि ये निकालने की जरूरत क्या है, पहले सीधा रेशियो ही बराबर कर लें कि ये 5-3 है, ये 6-5 है। अब ये बोल रहा है कि गर्ल्स ऐड हो रही है यानी बॉय सेम रहेगी, तो इसे 6 से गुणा कर दो, इसे 5 से गुणा कर दो फिर निकाल लो, ये दूसरा तरीका है। देखिए एक बात समझिए, मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मेरे को ये जो आप तरीका कर रहे हैं ये नहीं पता, मेरे को सब पता है। देखिए मेरे को अगर मैं देखूँ, अगर ये तरीका भी आपने पढ़ा है, देखिए ये भी मेरे को पता है, ये भी मेरे को पता है, पर मैं बेसिकली काम ही उस चीज पे कर रहा हूँ जो आप पे डायरेक्टली काम करे। देखिए अगर कोई इंसान बीमार है और 10 दवाई खा रहा है, खांसी की अलग, जुकाम की अलग, इसकी अलग और उसकी अलग, ठीक है, तो दवाई खाता ही रहेगा, और अगर आपको पता है कि एक दवाई ऐसी है ये, इससे सारा इलाज हो जाएगा, तो मैं तो उसी चीज पे काम करता हूँ। देखिए कि एक चीज ऐसी करें हम जो सारी बीमारियों का इलाज कर दे, ठीक है, ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। देखिए ये भी होता है, आपका एक दिक्कत ये भी आती है कि आप लोग जब भी पढ़ते हैं ना कॉन्सेप्ट को तभी तक के लिए पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया और फिर उसके बाद देखिए दिक्कत ये आती है कि उसे अप्लाई नहीं कर पाते। अगर अप्लाई नहीं कर पाते यानी कहने का मतलब है रिमाइंडर थ्योरम ही मान लेते हैं, जैसे अब रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ ली, सारे क्वेश्चन करा दिए टीचर ने कि भाई रिमाइंडर थ्योरम पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपकी गलती भी नहीं मानता, कई बार ऐसा है कि टीचर भी ये बताते हैं कि भाई रिमाइंडर थ्योरम इतनी है, ये क्वेश्चन आता है इस पे क्वेश्चन कर लो, तो बच्चा वहीं तक सीमित हो गया। मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ भी बताता हूँ बच्चों को कि भाई रिमाइंडर थ्योरम से ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट होगा, ये ऑप्शन इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर ये नहीं है, ये ऑप्शन इसलिए आंसर नहीं है रिमाइंडर नहीं है, तो उसका एप्लीकेशन भी कराता हूँ। तो कोई भी कॉन्सेप्ट हम अगर पढ़ते हैं ये जरूर देखना उसका डेली लाइफ में एप्लीकेबिलिटी क्या है, जैसे एम जी कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया, ठीक है, तो एम जी कॉन्सेप्ट मैंने ये चीज़ भी देखी कि भाई एम जी कॉन्सेप्ट जो मैं बना रहा हूँ उसे मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगा, किस किस तरीके से लगाऊंगा, और इससे मेरा रास्ता ही आसान होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये क्वेश्चन देखिए, जो तीसरा तरीका है यानी एम जी कॉन्सेप्ट पे वो सीधा सीधा लगाएंगे और सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से आएगा, पहले ये अनुपात था 5-3, 48 बच्चे थे, अब अनुपात हो गया 6-5, जब इसके अंदर हमने कुछ गर्ल्स जोड़ी तो 6-5 हो गया, तो टोटल हो गया 11, यानी ये 11 से मल्टीपल होना चाहिए यहाँ जो भी है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा सीधा सीधा कि 48 के अंदर आपको एक नंबर जोड़ना है और नंबर सीधा 11 से भाग होना चाहिए, 48 और 6 54, 48 7 55, तो 7 जोड़ने पे सीधा 11 से भाग होगा, सीधा आंसर आ जाएगा, दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, तीनों ऑप्शन। तो यानी देखिए पेन तक भी नहीं लगाया हमने, ये पता लग गया देखते ही आंसर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हमने देखा ये 48 था, इसके अंदर ये गर्ल्स जोड़नी है और टोटल जो है 11 से भाग होना चाहिए, तो यानी एक ऐसा ऑप्शन आंसर होगा इसे 48 के अंदर जोड़ने पर 11 से सीधा सीधा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीधा आंसर आ गया इसका। तो हम बेसिकली बात ये है एम जी कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। क्वेश्चन देखिए मैंने अलग अलग वैरायटी के लिए और अलग अलग एग्जाम के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए, चीज़ों को समझिए, पेपर में यही चीज़ लगती हैं और यही चीज़ें आपका टाइम बचाती हैं, बाकी नहीं तो ये दिक्कत आती है कि आता तो सब कुछ है पर टाइम नहीं बच रहा पेपर में, स्पीड नहीं बन पा रही, ठीक है। स्पीड बनेगी दिमाग से, हमेशा ध्यान रखना स्पीड बढ़ेगी दिमाग से, जितने ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी होगी उतनी अच्छी स्पीड होगी।
तो थिंकिंग एबिलिटी पे काम करिए, क्वेश्चन बनाने पे काम मत करिए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। CGL 2015 मेंस, किसी लाइब्रेरी में कहानी वाली किताब और अन्य किताबों का अनुपात 7:2 है। और 1512 कहानी वाली किताब है कुछ और, कहानी वाली किताब आने के कारण यह अनुपात बदलकर 15:4 हो जाता है। तो कितनी और कहानी वाली किताब आई होंगी? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, फिर क्लास ख़त्म करेंगे। MG कॉन्सेप्ट देखिए, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये समझ के रखना है, और धीरे धीरे करके जैसे आगे की वीडियोस भी आएंगी आप उसमें भी सीखते रहेंगे कि हाँ MG कॉन्सेप्ट हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वीडियो देखिए आपके लिए डेली लाइफ में बहुत काम आएंगी। सोचिए चीज़ों को, काम करने से पहले देखिए, सोचना ज़रूरी है कि किस दिशा में काम करना है। अगर देखिए खाली मेहनत करते रहेंगे और दिशा गलत है, कभी नहीं पहुंच पाएंगे सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले दिशा देखिए कि कौन सी डायरेक्शन में काम करना है, चाहे वो दिशा देखने में आपको 15 दिन लगे, महीना लगे, 1.5 महीना लगे, अभी टाइम है। पता लगा 6 महीने की आपने मेहनत लगा दी पूरी, 6 महीने बाद पता लगा डायरेक्शन गलत थी, मेहनत कहीं और कर रहे थे, करनी ये चीज़ थी, तो पूरा साल एक बर्बाद हो जाएगा, फिर अगले साल इस चीज़ की समझ आएगी। ठीक है, तो देखिए डे बाय डे कंपटीशन बढ़ भी रहा है, तो इस चीज़ों को खास ध्यान रखना है। देखिए क्या बोल रहा है, स्टोरी बुक और अन्य किताबों का अनुपात है 7:2, और स्टोरी बुक दे रखी है 1512, और कुछ और स्टोरी बुक आने के कारण ये अनुपात 15:4 हो जाता है। ठीक है, तो स्टोरी बुक जितनी आई थी वो बतानी है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर स्टोरी बुक तो हमारी ऐड हुई है, दूसरी वाली सेम आई है, तो क्यों ना हम इसे समान बना दें, इसे भी 2 से गुणा कर दें, यानी ये 14 हो गया, ये 4 हो गया, यानी अनुपात बदल के 14:4 और 15:4 हो गया। मैंने क्या बिल्कुल ठीक बोला आपने? फिर आप बोलेंगे सर 14 की वैल्यू 1512 है और हमें निकालनी है कितनी कलेक्ट हुई, यानी 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो 14 से डिवाइड करके 108 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा 108। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है ये बात भी, पर मैंने एक बात बोली कि भाई आपने ये सब कर तो लिया, पेन तो लगा दिया ना, ये चीज़ समान करने में, इसे गुणा करने में, फिर इसे भाग करने में। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई इस चीज़ को मत करो, थोड़ी एक बात समझो। अब फिर आपने बोला कि भाई हाँ क्या हो सकता है, मैंने कहा इसे हटाओ, अब ये बात समझो क्या कहना चाह रहा है। देखिए स्टोरी बुक्स वो बोल रहा है 1512 है, अदर बुक उसका पता नहीं है, रेशो दे रखा था कितनी है। ठीक है, ये 1512 है, इसके अंदर कुछ और स्टोरी बुक ऐड होनी है, और यहाँ जो अनुपात आएगा 15:4 का होगा। बस ध्यान से समझना है बात को, मैंने एक बात बोली 1512 के अंदर कुछ जोड़ना है हमने और वो 15 से भाग कराना है। देखिए 1512 के अंदर कुछ जोड़ के 15 से भाग कराना है, यानी 15 से भाग होगा तो 5 से भी भाग होगा। अगर देखिए 1512 के अंदर मैं 108 जोड़ दूंगा तो 5 से भाग हो जाएगा, 100 जोड़ूंगा तो नहीं होगा, 205 जोड़ूंगा तो भी नहीं होगा, 7 जोड़ूंगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 5 से भाग कराने के लिए आखिरी में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 0 या 5 दब आएगा जब इसके आखिरी में 3 होगा या 8 होगा, तो 3 तो किसी के आखिरी में नहीं है पर 8 है,
तो इसलिए 108 आंसर हो जाएगा। तो देखिए करने का तरीका ही था, क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, तरीका बदल गया। एक तरीका था बनाने का, दूसरा तरीका था आंसर मार्क करने का। तो देखिए आंसर सीधा सीधा मार्क हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को ना मैं 3 से 4 तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है। तो पहले तो हमने एमजी कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं, तो एमजी कॉन्सेप्ट ही समझेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो और भी बहुत कॉन्सेप्ट से हो सकते हैं, वो भी शॉर्टकट ही हैं, पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी। आज सोचेंगे कल तक काम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात छह अनुपात एक है। यदि छह और विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए होते तो अनुपात बदल के 9:1 हो जाता। तो परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या थी है। देखिए ये क्वेश्चन तो अब आप खुद ही करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप का कराया था तो 2017 प्री के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आपने कर रखा है तो देखिए सीधा सीधा आंसर पता लग जाएगा। अगर हम देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो मैंने एक आदत डाली है आपको कि भाई सबसे पहले पहली लाइन, उसके बाद आखिरी लाइन, फिर जरूरत पड़े तो बीच वाली लाइन। पहली लाइन अगर पढ़ते हैं, 6:1 में है पास और फेल होने वाले। आखिरी लाइन पढ़ते हैं, टोटल बच्चे बताने हैं, यानी टोटल बच्चे जो है 7 से भाग होगा, तो 7 से ये भाग हो गया, ये ऑप्शन कट गए। तो देखिए आंसर आ गया, तो आंसर सीधा सीधा है, यानी जो ऑप्शन 7 से भाग हो जाएगा वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सीधा सीधा मिल गया। अगर बाई चांस ऐसा होता 2 ऑप्शन होते, तो भी मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर उसमें से ये बोल रहा है कि द रेशियो वुड हैव बीन 9:1, यदि 6 और शामिल हो गए होते, 6 और पास हो गए होते। देखिए अब बच्चों की संख्या तो समान ही है, ये पास वाले हैं ये फेल वाले हैं। अगर 6 और सक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, टोटल तो सेम ही रहेगा। टोटल अगर सेम रहेगा तो यानी ये 10 से भाग होना चाहिए, यानी जो ऑप्शन 10 से भाग हो जाएगा वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, 10 से देखिए, लेकिन यहाँ सारे भाग हो रहे थे इसलिए हमने इस चीज़ को नहीं लिया और सीधा उस ऑप्शन से आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। तो चीज़ें दोनों ही ध्यान रखनी है। तो देखिए एमजी कॉन्सेप्ट में हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो आज की क्लास के लिए तो फिलहाल इतने ही हैं। अगली क्लास और भी होंगी, और क्लासों में हम और वीडियोस में और भी चीज़ें देखेंगे, पर देखिए सक्सेस का एक ही मंत्र है ये, दिमाग लगाओगे जॉब को पाओगे। अगर दिमाग लगेगा तो जॉब मिल जाएगी, और अगर आप सोचते हैं कि भाई फॉलोअर बन जाएं, चीज़ों को मेथड को ले लें और वही चीज़ें फॉलो करते रहें सीधा सीधा, दिमाग ना लगाएं तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो दिमाग तो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यही चीज़ देखिए हमने आज देखी एमजी कॉन्सेप्ट में, आगे और भी मेरे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे और एमजी कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल आखिरी तक ले जाऊँगा, ठीक है। देखिए खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है मेरा, और मैं ये भी दिखाऊंगा ये कहाँ कहाँ आप किस किस तरीके से बहुत बड़े क्वेश्चन को भी छोटा कर सकते हैं। ये तो अभी सिर्फ रेशियो का चैप्टर था, पर ये एमजी कॉन्सेप्ट देखिए बहुत आगे तक जाएगा, काफ़ी आगे तक हम इसे लगाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, जितना हो सकता है देखिए समझिए वीडियो को, ठीक है। और कोशिश करिए पेन को छोड़ने की, पेन जब ही छूटेगा जब दिमाग लगना शुरू होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।